हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक यूनिक, इजी एंड कलरफुल केक का डेकोरेशन दिखाने वाले हैं जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर आप बिगिनर्स हो तो भी ना आप ये केक का डेकोरेशन आराम से बना पाओगे। तो चलो ज़्यादा बकबक ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस केक का फ्लेवर था चॉकलेट केक। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट क्रीम से अच्छे से आइसिंग कर लिया है, उसके ऊपर मैं येलो कलर का क्रीम लगा रही हूँ। तो इस केक का फ्लेवर था चॉकलेट केक, 1 पाउंड का केक था ये, और इसका प्राइस मैंने 530 लिया था। तो हर एक वीडियो में मैं छोटा छोटा टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये वीडियो देखते देखते मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझसे जितना हो सके मैं उतना केक को क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक सिलिकॉन का ब्रश लिया है और रैंडमली मैं एक लाइन खींच रही हूँ, और इसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर आता है। इनके लिए आपको केक को ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक भी लगता है और सुंदर भी। और केक के ऊपर भी मैं सेम ही डिज़ाइन बनाऊंगी ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक स्टार नोज़ल लिया है, इनके ऊपर कुछ भी नंबर वगैरह लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है कि नोज़ल का डिज़ाइन कैसा दिखता है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पिंक और ग्रीन कलर का रोजेस बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो कुछ और कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, और आपको ये कलर कम्बिनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं चारों तरफ छोटा छोटा रोजेस बनाऊंगी, और ये केक का डेकोरेशन इतना ईजी है कि मैं तो आंख बंद करके भी ये डिज़ाइन बना लूँगी, इतना इजी है। और केक के साइड पर भी मैं ये सेम डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो साइड पर अगर ना भी बनाओगे ना तो भी ये केक का जो डिज़ाइन है, जो लुक्स है, वो अच्छा ही लगेगा। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर उसी नोज़ल के मदद से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, काइंड ऑफ जिगजैग डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन केक के ऊपर इतना प्यारा लगता है कि केक का लुक को ही चेंज कर देता है। आप देख सकते हो बॉर्डर का डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। और मैं लीफ बना रही हूँ एकदम रैंडमली, ठीक है। तो अगर आप एकदम एप्रोप्रिएट लीव बनाना चाहते हो ना, तो आप ध्यान रखना कि आपका क्रीम ज़्यादा स्टिफ ना हो। अगर आपका क्रीम ज़्यादा स्टिफ होगा ना तो जो लीफ है वो एप्रोप्रिएट नहीं बनेगा। और ये लीफ इतना सुंदर लगता है ना, आप खुद देख सकते हो कि लीफ कितना प्यारा लग रहा है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 3 कलर का स्प्रिंकल यूज़ किया है। पहले मैंने स्काई कलर का स्प्रिंकल लिया है, पिंक कलर के रोजेस के ऊपर लगा रही हूँ। और स्प्रिंकल लगाने के बाद केक का लुक और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। अगर आपको कुछ भी डिज़ाइंस वगैरह बनाना नहीं आता है तो आप सुंदर सुंदर स्प्रिंकल के मदद से अपने केक को सुंदर से डेकोरेशन करना, तो भी आपका केक का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर वाइट कलर का मोती लिया है और ग्रीन कलर के रोजेस के ऊपर लगा रही हूँ। और ये स्प्रिंकल लगाने के बाद, मतलब पूरा केक कंप्लीट होने के बाद अब लुक देखना। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक छोटा छोटा वाइट कलर का स्प्रिंकल था, वो मैं चारों तरफ अच्छे से फैला दिया ताकि केक का लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। अगर आप चाहो तो ये आप स्किप भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का जो स्प्रे मिलता है वो मैं रोजेस के ऊपर स्प्रे कर रही हूँ ताकि जो रोजेस है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे देखने में। अगर आप चाहो तो ये स्किप भी आप कर सकते हो।
मेरा केक का डेकोरेशन यहीं पर कंप्लीट है। तो आप देख सकते हो केक का लुक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।